सिद्रा के लिए सरप्राइज है। काटने में लगे हुए हो तो मुंह कटा हो जाएगा। अलीपुर को हमने चढ़ोल बना लिया है जगह है, क्योंकि हम विलेज के लोग हैं ना, तो हमें वादी और ठंडी ठंडी हवाएं जो है ना वो चल रही है। मेरे मेहतर साहब को स्पेशल बनेगा। नहीं चक पा देगा। शाजिया इधर बैठा हुआ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूं आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और सुबह सुबह हम कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ता कर नहीं रहे, मतलब कि अभी शुरू कर रहे हैं। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। दूर से सलाम करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। आप सबके दुआ से अल्लाह पाक के फजल करम से वेलकम बैक न्यू व्लॉग। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जो हमारे चैनल पर न्यू है तो वेलकम बटन आर पर क्लिक कर दे, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। सुबह सुबह की रूटीन है, जैसे कि आपको पता है, रात पकाई थी मेरे ख्याल भिंडियां। भिंडियों से करेंगे अभी नाश्ता। जा रात को जो रायता बनाया था, बचाया था, वो भी लिया। बंदा थोड़ा सा एंजॉय कर लेता है। हाँ जी, नाश्ता करोगे? हाँ जी, चलो सही है। तो आज आज किसको सरप्राइज देना चाहिए? आज भी सरप्राइज दे दे क्या? क्यों? सरप्राइज आपके पास आते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता। जी तो नाश्ता करोगे? नहीं, आज भी दोनों वीडियो में सरप्राइज दे दूंगा, क्या याद करोगे? इंशाल्लाह देखना। ये दुआ फातिमा को उठा लो इधर, मुझे दे दो, आप रहता ले आओ। इंशाल्लाह दोनों वीडियो में, आज की भी दोनों वीडियो में सरप्राइज दूंगा इंशाल्लाह। हाँ, एक वीडियो, एक इसी वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरा काम ही सरप्राइज देना है, और मैं क्या करूँगा? हाँ कैसे सरप्राइज देने चाहिए ना, मेरा काम। हाँ, अल्लाह पाक दे रहा है और बहन भाइयों का तामन है, मैं फिर बाकियों को सरप्राइज देता रहता हूँ। तो जो सरप्राइज देता है उसको खुशी होती है, और दूसरा जो आके देने वाला है उसको भी बहुत खुशी होती है। हाँ, ये भी एक नेकी का काम है जी। सरप्राइज देने चाहिए, अच्छा होता है। हाँ, फिर आज भी सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह। ले आओ आप रहता बलूरी, वो झगड़ती है, कहती है मुझे रोटी दो, छोड़ दो। वो देखो रोटी खाओगी, रोटी। ओ ओ ओ ओ, हाँ खाओ। हाँ, आपको मिल गई है रोटी। क्या नल खा रहे हो? क्या नल खा रहे हो? भिंडी लाल कैसी लग रही है? अच्छा, आपको कल जो है ना मरियम लाइक दे रही थी कपड़ों के लिए, आप पूछ रही थी ना, तो वो लाइक दे रही थी आपको, बड़े बड़े लाइक। अच्छा, अभी को मेरी तरफ से लाइक 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 मिलेंगे। लाइक दो, लाइक दो, लाइक लाइक। माशाल्लाह जी, ये देखें नाश्ता मिल गया है हमें। ये तंदूर वाली रोटी है, इसको पानी में गीला करके जो बची हुई होती है, फिर घी लगा के हल्का हल्का सा फिर खाओ, बड़ी जबरदस्त और टेस्टी लगती है। और ये रहता भिंडिया, और सिरका भी खा रही है। उधर से पंखा चल रहा है, हवा का शोर भी आ रहा होगा, गर्मी है ना। हाँ जी, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। ये देखे जी, अब जो है ना, ये हमने वैसे इनका नाम रखा था लैला मजनू, आपने कोई अच्छा सा नाम बताना है, इसका नाम क्या रखे? फिर मैं जो है ना जैद भाई को बताऊंगा, आप इनका नाम ये रखे।
वैसे मेरे जो डक्की है उनका नाम है राजा रानी और इनका नाम है क्या उसे कहते हैं लैला मजनू। आपने बताना है ये नाम अच्छा है या कोई और रखे। इनका नाम जो है ना इनकी शक्ल देख के रखना पड़ेगा। ये मजनू है और ये लैला साहब। चलो भाई आपका टाइम मुक गया है, आप अपने मेन जगह जहां आपको जाना है वहां जाओ। आपकी पसंद का इलाका आने वाला है। हाँ उसकी गर्दन देखे कितनी मोटी है माशाल्लाह। ये बड़ा है तो मर्द है, ये जवान है और ये औरत है। क्या है न क्या है न वो मोटू पतलू। अरे पकड़ो पकड़ो ना तारा को हटो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। क्या है देन इनका नाम जो है ना मोटू पतलू रखा मेरा भाई। क्या कह रहे हैं आपको सर जी मोटू पतलू। ये मोटू है वो पतलू है वैसे भी। क्या है ना कर क्या है ना वो देखो क्या है। पकड़ो 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 इसकी जरा पकड़ो वाला लगा था। इसकी चोंच लग गई थी बाइक में। ये देखें इधर भी ये भी टूटी हुई है। ये भी ये सही हो जाएगी थोड़ा सा ये जख्म है ख्याल करना ये जुड़ जाएगी। ये वो बाइक के जो नहीं होते अगले चक्के में जो सपूके लगी होती है उसमें लगा है। चलो एक ले आओ फिर बलूरी ले जाओ। पकड़ो 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 हाँ पकड़ो। आप ही लेके जा रहे हो। चलो जी नीचे चलो आपका राउंड घर जाने का बन गया है। मैंने बांध दिया है बदके शदके आप लिए ले जाओ। नहीं ये निकलेगा नहीं ध्यान करके जाना है वो निकलना पड़े बाहर। हाँ जी अच्छा चलो ये जो है ना सारे आगे चलो बस ओके हो गया। गेट खोल दें बड़े वाला खोल दूं नहीं छोटे वाला। छोटे वाला खोल देता हूँ चलो ठीक है क्या। ओके जी बाय बाय। ओके हो गया जी सबको दुआ सलाम। मेरे मेरे मेहतर साहब को स्पेशल भी। हाँ वैसे हम सिटी आ रहे हैं आप सिटी जा रहे हैं। इरादा बन रहा है क्या पता मुलाकात होती है या नहीं कोई कन्फर्म नहीं है। चलो ओके हो गया मेरे घर चक्कर लगाना इंशाल्लाह। ठीक है मैं इनवाइट करके जा रहा हूँ आप अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दादी ठीक है खुश तकड़ी माशाल्लाह। दादी चिट्टी थी बैठी है तो मैंने कहा आपने अच्छी मुझे मच्छी खिलाई है। मैंने कहा वो मेरे दांतों में फंस गया। अभी भी दांत में कांटा फंस गया निकालो ना चमोटी से या किसी चीज से नजर नजर आता है नहीं आता है ऐसे देख के फिर निकालना पड़ेगा। और आप सुनाएं चाचू जी इधर जाने दो इधर जाने दो दुपट्टा को सीधा करो जैसे जो जवान दुपट्टे सीधा करते हैं वैसे जवान दुपट्टे पहनते हैं। ओ मिठू मिठू बेटी मिठू ये काटता भी है मिठू नहीं काटता डराता है ऐसे पकड़ो देखो इसके आगे हाथ करो मिठू मिठू नहीं चट पा देगा शाहजहा इधर बिठाओ अपने हाथ पर बिठाओ बैठो 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 हाँ वो देखो वो बैठ गया। मिठू बैठ गया है माशाल्लाह बड़ा सा हो गया पहले जब पहले छोटू सा था थोड़ा सा छोटा सा अब बड़ा हो गया है माशाल्लाह। मिठू वो देखो उड़ता भी है ओके और किसके काटे हुए हैं नहीं तो ये भाग जाते हैं काटे हुए हैं। चलो इसको बिठा देते हैं इधर खुश हो रही है। हाँ बैठो इधर अपनी जगह पर ओके हो गया ओके। इसके जो पंजे होते हैं ना वो भी बड़े तेज होते हैं नाखून खूबते
बलकुरी शलकुरी बकलूरी शलकुरी मोटू छटू ए मोटू छटू क्या ले बैठो मोटू छटू पटर ले बैठो पटर ले बैठो ये लो पटर खाने की चीज नहीं होती लावण की होती है ऐसे जैसे लगाई है क्या हो गए ये लो कहते मुझे दो बलूटी छोटी कावड़ी पई है मोटी छोटी चलो ठीक है फिर हम जा रहे हैं शहर वापस आते हैं फिर आपसे मिलते हैं सही है काम कोई है हम जरूरी हम वो करके आते हैं मोटू छोटू को सोना बना लिया है बाय 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 करो बाय 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 नहीं करती है बाय 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 चले ओके हो गया जी चलते हैं सिटी खानपुर शहर वहाँ से वापस होके आते हाँ तीला पाओ बढ़ाओ आपको किसने कहा है बुहारी बजाओ फिर जो है ना इनको भी नहला देना सिद्रा इनको भी नहला के और कपड़े पहना देना सही है उधर फेंको बाय 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 वाह जी वाह इधर तो फर्श चमकाए जा रहे हैं जी बिल्कुल एकदम हो गया पूरा चैलेंज चैलेंज पूरा हो गया कंप्लीट ये घर के कामों का मतलब घर की देखभाल और काम करने का चैलेंज देखभाल घर की सफाई घर के काम मर्द भी कर सकते हैं चैलेंज कंप्लीट वो बाइक बाहर खड़ी कर दी उसको बाइक क्योंकि वो इधर वो मिट्टी आती थी मैंने कहा पहले सफाई करो फिर ले आऊंगा अब उधर ही जा रही है हम सिटी जा रहे हैं फिर मिलते हैं जा रहे हो हाँ चलो काम है थोड़ा सा वो हम करके आते हैं और आपका कोई काम है तो बताएं नहीं मेरा काम कोई नहीं चलो बस वो आप चलो मैं फिर लेट जाऊंगा चलो मेरा है काम सही लेकिन मेरा लेट का है चलो सही है ओके हो गया हम जो गए थे शहर से आ रहे हैं अभी वापस आते हुए हम जो है ना ये बीच वाला रास्ता आए हैं नहर वाला ताकि हमने कहा थोड़ा सा इन्जॉयमेंट और माहौल जो है ना वो शेयर करते चलेंगे क्योंकि ये हमारी बहुत ही फेवरेट जगह है क्योंकि हम विलेज के लोग हैं ना तो हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है ये देखें कैसे नहर बह रही है मतलब शहर में तो होती है पक्की सी नहरें और पक्का सा माहौल होता है लेकिन विलेज का ये जो हमें माहौल है ये बड़ा पसंद आता है कच्ची नहरें और बड़ी और साथ में आबादी और ठंडी हवाएं जो है ना वो चल रही हैं माशाल्लाह बहुत ही दिल खुश हो जाता है। इधर फिर हमने आके बाइक रोक ली है थोड़ी देर हमने कहा इधर रेस्ट करते हैं फिर जो है ना आगे चलेंगे कैसे माहौल इधर का कैसे वीआईपी है ना जबरदस्त माहौल है
बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, प्यारी प्यारी हवा। इधर आके जब खड़े होते हैं ना तो हमें महसूस भी नहीं होता कि गर्मी है या नहीं है, जब इधर से घर जाते हैं उधर पता लगता है या गर्मी नहीं है। गर्मी इधर तो कोई पता भी नहीं चलता गर्मी है कि नहीं है। ये देखे कितनी जोरदार हवा चल रही है, सफेद के दरख्त देखे कितने जोर जोर से झूम रहे हैं, तेज तेज साथ में नहर बह रही हो और ठंडा ठंडा पानी। तो इधर तो बस बंदा कहता है चार पाई इधर लगा के सो जाए, आराम से सुकून मारे। बड़ी नहर है, चेक करें कितनी बड़ी है। ये ऊपर से क्या गिरा रहे हैं कवे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हो गया काम? अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। इधर से काले नजर आ रहे हो, आपकी वीडियो में काली आई होगी। इधर से चिट्टा हो जाऊंगा, आप देखो चिट्टा हो गया। चिट्टा हो गया, आप करी में लग गए। क्या लेके आए हो? ये हम ले आए हैं अंगूर। अंगूर से बिया मौसमिया। ये खट्टियां होती हैं, मैंने कहा है। एक और थी वो पर कितने रुपए कितने दे रहे थे वो तकरीबन दो मीठा था वो 200 रुपए नहीं 250 रुपए किलो, और ये दे रहे थे 100 रुपए का 2 किलो। ये ऐसे है, ये खट्टी होती है। मुझे पूछा ये कैसी है, मैंने कहा वो बड़ी बड़ी जब हो जाती है ना पक जाती है फिर मीठी होती है, अभी ये न्यू है छोटी है इनका कोई भरोसा नहीं है। कोई दाना आ गया मीठा तो नहीं तो ये खट्टी होगी, खट्टी या कड़वी लगेगी। अभी तो आ गई है, वैसे टेस्ट करने के लिए थोड़ी सी ले आए हैं। देख लेना, आपने टेस्ट करना है तो चेक। मुंह खट्टा हो जाएगा। बस वो बाइक आ गई है। हाँ वो बाइक खड़ी है, उसके इंतजार में बैठा था, थोड़ा सा मेरा काम था, और मेहमान भी माशाल्लाह आए हुए हैं। मेहमान भी आए हुए हैं। छोटू क्या कर रहे हो? ये तो देखे देखे लग रहे हैं मेहमान। सुनाओ जनाब क्या हाल है? क्या हो गया? मैंने कहा मौसम बेहतर ही है अभी तक। हाँ मैंने कहा जाना है। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ उधर हो जाओ। कल तो आप चले गए दिल्लीपुर में, बस आ भी गए। जाना हमारा समझ ले वो बनाया हुआ है चडोल। अलीपुर को हमने चडोल बना लिया है। अलीपुर को हमने भी काल चडोल बना लिया, परसों गए काल उधर फिर काल वापसी। असल में ना हम भी ऐसे, मैं जब भी जाता ना मेरे घर साहब यही कहते हैं कि अलीपुर पता नहीं आगे यही जो तो बनाया हुआ है बावलपुर को पता नहीं क्या आगे हर हफ्ता तभी उधर होता है। मैंने कहा क्या करूँ, काम जो आ जाता है करना तो है। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, हो आया खैर से। कोई पानी शानी पिया या नहीं? हाँ जी पी लिया, फ्रेश। इधर बैठे हैं अभी, चलो ऊपर चलना है तो आ जाए। आ जाएंगे, कब आओगे भाई? 1 घंटे तक आया है अभी, इधर थोड़ा हाल वाल कर ले फिर ऊपर ही आएंगे। चलो सही है। हाँ जी फिर हम जा रहे हैं ऊपर, थोड़ा सा काम है करते हैं, फिर आप आ जाना। ठीक है ओके। मैंने देखा था वैसे, मैंने कहा चलो उधर से फ्री होके फिर इधर आएंगे। हम उधर गए थे शहर, अभी आ रहे हैं। शहर गए थे खानपुर, अभी आ रहे हैं। बाइक थी खड़ी, क्या थे जो? बाइक ले गए थे बाहर, वो तो इसकी बाइक खड़ी है। अच्छा। बाहर खड़ी कर दी, हम ले गए थे। चलो ठीक है आ जाना फिर, चलते हैं जी ऊपर। ओके हो गया, मेहमानों से मिल लो, मैं ये लेके जा रहा हूँ ऊपर। ये ले चलते हैं, ये तो खट्टी हैं अंगूर, मीठे हैं, चखने हैं तो चख ले ना बॉस। फिर नहीं कहना आपने, आई एम डाटा भूखा ना हूं मैं। मैं आपको भूखा थोड़ी समझेंगे। नहीं एंग, ओ ये जो है ना अंगूर, अंगूर ये मैं रात मैंने खाए थे, मंगवाए थे आपके बच्चे जब एक साथ हमने खाए थे। बाकी अभी मैंने चाय और पापा और काम किए तो ना मेरा मैदा अजीब सा हो रहा है, गर्मी लग गई होगी। हाँ तो इसलिए फिर अभी कुछ नहीं खाता, अगर खाऊंगा तो काम जो है ना उलट पुलट हो जाएगा, इसलिए अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हाँ ओके जी, मैं इधर से जा रहा हूँ, ऊपर पहुँच गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह सब्जी काटने में लगे हुए हो। ये देखें आपके लिए ले आए हैं अंगूर और वो क्या होते हैं, ये क्या ले आए हो? ओ मौसमी ले आए हैं, मौसमी मौसमी।
ये देखो ये क्या है, ये देखो ये क्या है, ये देखो क्या है, ओ ये क्या है, क्या है बलूरी, क्या है, खाओगी खाओगी? हाँ वो देखो खा रही है। ये कौड़े होते हैं, ये मुझे नहीं पता मैंने कहा है, तो वो मीठे और होते हैं, वो 250 रुपए किलो थे, ये थे 100 रुपए का 2 किलो। फिर मैंने कहा, पूछा है मुझसे कि ये मीठे होते हैं कौड़े होते हैं, मैंने कहा अभी कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि ये कच्चे हैं छोटे हैं। हाँ क्या है, नहीं अंगूर भी हैं, अंगूर मीठे होंगे, अंगूर नहीं कौड़े होंगे। सबको मैंने सरप्राइज दिए हैं, अभी जो सरप्राइज देने जा रहा हूँ वो किसके लिए सरप्राइज है वो अभी आपको पता चलेगा कि किसके लिए है। बाकी तो वैसे सबको मैंने दिए हैं सरप्राइज, अलीपुर भी गया सरप्राइज दिया है, इधर भी सबको दे दिए हैं। आज जो है ना सिद्रा के लिए सरप्राइज है। माशाल्लाह, इसलिए दांत निकाल रही हो? हाँ मुझे पता भी नहीं है कि कौन सा सरप्राइज है, मैं बस वैसे दांत निकाल रही हूँ सरप्राइज का सुन के। सिंद्रा के लिए बहुत बड़ा, इतना इतना बड़ा सरप्राइज है, चाहिए आपको सरप्राइज गिफ्ट? हाँ चाहिए। सरप्राइज कौन कहेगा कि हमें ना चाहिए? आप लेके क्या करोगी, आपको नहीं चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? चले जी बिना टाइम वेस्ट किए सरप्राइज देते हैं। खाला ने हमारे लिए भी सरप्राइज भेजा है, वैसे सबको दिए हैं, और ये देखें हमारा सरप्राइज। जैसे बिग सरप्राइज, एक सरप्राइज, एक दो तीन काफी है, चार पांच छः, बस मुझे नहीं पता कितने हो गए, उसको क्या पता कितना है। हाँ। कितना दोगे तो आप पास? ये कितने हैं? नहीं ये छः, सात, आठ, नौ, दस, बस अभी भी नहीं है, बस अभी चल रही है। 11, 12, 13, 14 और ये 15, ये टोटल है जी 15,000। ये मतलब सिद्रा के लिए, मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए है, मेरी फैमिली के लिए है, और ये भी उस खाला ने भेजा है जिन्होंने आपके लिए सरप्राइज भेजा था, और बहन के लिए भी सरप्राइज भेजा था। एक शाम वाली वीडियो में भी एक सरप्राइज है, तो आपने किसी ने मिस नहीं करना है, वो भी देखना है किसके लिए है, वो एक न्यू बंदे के लिए है। तो आपने कमेंट में जरूर बताना है कि अगला जो सरप्राइज है नेक्स्ट वो किसके लिए होगा, किसका हो सकता है, किसका हो सकता है, आपने अंदाजा लगाना है इस वीडियो के नीचे, आपने कमेंट में अंदाजा लगा के आपने बताना है कि ये जो नेक्स्ट सरप्राइज होगा ना नेक्स्ट वीडियो वाला वो फिलहाल बंदे का होगा। तो देखते हैं किसका अंदाजा सही निकलता है, जिसका अंदाजा सही होगा तो वो इंशाल्लाह मैं जो शाम वाली वीडियो होगी ना उसमें बताऊंगा किसका अंदाजा सही है किसका गलत, इंशाल्लाह उसका नाम लेके बताऊंगा। सबने जो है ना अंदाजा लगाना है। तो जी ये उस खाला के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके लिए ढेर सारी दुआएं करता हूँ, अल्लाह पाक उनको खुश रखे और भी रिस्की में बरकतें अता फरमाए। उन्होंने हमारे लिए ये तआवुन किया है, हमारे बच्चों के लिए आप भी दुआएं करें। हाँ जी अल्लाह पाक उस खाला का मजीद तरक्की दे, और ऐसे ही वो गरीबों की मतलब हेल्प करती रहे, और बहुत जो है जो अल्लाह पाक उन्हें बहुत बहुत खुशियाँ अता फरमाए कि वो संभाल भी ना सके। वैसे भी जो है ना वो कहते हैं ना अल्लाह के रास्ते में एक एक गुना खर्च करो ना तो 10 गुना अल्लाह पाक देगा, वो जो है ना ऐसे खर्च कर रही हैं तो अल्लाह पाक उनको दे, तो 100% बात है कि मजीद मजीद कामयाब इंशाल्लाह।
उनके लिए, उनकी बेटी के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनकी बेटी को और पूरी फैमिली को खुश रखे, सलामत रखे। मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या हो गया? चुप करो, चुप। जूते पे झगड़ रहे हैं, वो है आपका जूता, अंदर पड़ा हुआ। चुप करो, चुप। मैं भी उस पाला का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि जितना करूँ ना उतना कम लगता है हमें। ओके जी, इसी के साथ हमारा व्लॉग भी एंड हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज़।